saw the first episode, what was your reaction? After first episode, I'm very happy. I think the start of the show has been exactly what it should have been. It's a long journey ahead, but this was a very good introduction of all the characters and of our family and how we are together. So I'm very happy seeing the first episode, but of course we have a long way to go. Dilip, आपके लिए कैसी रही ये कैसा रहा first episode आप लोग बताइए आपको कैसे लगा? हमने तो शूट किया, आपके सामने आया, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा. Everything has come together very beautifully. And we are getting some very good response, which is very positive for us. Positive for Indian television, because it's time the face changes, you know. So we're just trying hard, I hope, with us. Vidhi, हमने सुना है कि आप काफी कम वक्त के लिए शो में हैं, तो कुछ बताएंगे इस बारे में? Yeah, that's my bad luck, na, now I should say. Because the show is really good. But no, it's tailor-made for me, because I am in the family way for the second time, so... इनका रोल बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बहुत इम्पैक्टफुल है. जितना संजीवनी के बाद आप लोगों ने इनको नोटिस किया था, उतनी ही नोटिसबिलिटी इस रोल में है. बिकॉज शॉर्ट एंड स्वीट का वेरी डेफिनेशन है इनका रोल. इट्स सो इम्पैक्टफुल कि सालों तक शी विल बी रिमेम्बर्ड फॉर. आई होप सो अब डॉक्टर से पेशेंट. एग्जैक्टली, डॉक्टर से पेशेंट. हाँ, ये ग्रोथ थोड़ा रिग्रेसिव हो गया है मेरे लिए, लेकिन आई डोंट माइंड इट. अच्छा, बाकी यहाँ पे जो लोग आए थे उनसे क्या रिएक्शन मिला महेश भट्ट साहब? ओह माय गॉड, डोंट इवन, आई एम स्पीचलेस, बिकॉज़ वो कह रहे हैं, यू नो, ही इज फॉलन इन लव विद मी. सो यू नो, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर सच अ बिग डायरेक्टर टू इंस्टेंटली हैव दैट. आप प्रिटी गर्ल है जरा. थैंक यू. महेश भट्ट साहब ने पहले एपिसोड के बाद मेरे को यहाँ पर चुम्मा दिया, तो अब मैं एक हफ्ते के लिए नहाने नहीं वाला हूँ. ये हमारा सुपरस्टार आ गया. बोलो अरे मैं खुद गिर जाऊंगा तेरे को उठा के. अच्छा, इसके बाद तू मुझे उठाएगा. ओके, राम ज्यादा चाहते हैं कि ऐसा देखिए, वो प्लान तो नहीं था इस वक्त टीवी करने का. काफ़ी फिल्में हैं, एक मेरी फिल्म मई में रिलीज हो रही है जैसे आप जानते हैं, उसके बाद दो और प्रोजेक्ट्स में स्टार्ट कर रहा हूँ. सो बिल्कुल गलत टाइम है फॉर मी टू कम ऑन टेलीविजन, लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसा था कि इसको ना भूल ही नहीं सकते. इट्स अ वेरी डीप प्रोजेक्ट, और ऐसे प्रोजेक्ट्स टेलीविजन में फिलहाल नहीं बन रहे. दैट टू विद सच बिग नेम्स लाइक भट्ट साहब इन्वॉल्व, ऊपर से सोनी चैनल जिसके साथ मेरी 15 साल की एसोसिएशन रही है और बहुत सक्सेसफुल एसोसिएशन रही है. तो जब कुछ इतना सही आपको ऑफर किया जाता है, देन इट्स अ नो ब्रेनर. एक सेकंड में आप बोलते हो भाई ये तो करना ही पड़ेगा. यू नो, आई रियली बिलीव लाइफ हैपन्स व्हाइल यू मेकिंग अदर प्लान्स. तो प्लान तो मैंने किया था कि भाई अभी फिल्में करूँगा एक दो साल और फिर देखेंगे. ऐसा हुआ नहीं. अब आई हैव टू जगल बिटवीन टेलीविजन एंड फिल्म बोथ, बट आई एम वेरी हैप्पी. नो रिग्रेट्स, बिकॉज आई लव डूइंग गुड मीनिंगफुल वर्क, एंड दिस इज more meaningful than I could ever have imagined in television. अच्छा राम, अगर दिल की बात कोई एक आज कहना हो तो क्या कहोगे? दिल की बात अगर आज कहना हो, शोज को छोड़ के, मेरी प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ के जो भी दिल की बात है, वो अनफॉर्चुनेटली मेरे दिल में ही रही.